बम्बई बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी जो बना रहे हैं चिकन के साथ बना रहे हैं, एक कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, सबसे पहले प्याज शामिल किया और हसब मामूल प्याज को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद ये प्याज फ्राई होने के बाद थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे इसमें से और फिर मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। और प्याज जो हम निकालेंगे बेसिकली वो प्याज एंड में फिर हम चावलों के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, और ये बेहतरीन फ्राई हो गए। साथ में हमने थोड़ा सा निकाल लिए तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच, इसको हमने प्लेट पर बिछा दिया ताकि थोड़ा सा हल्का ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाए। दैट्स इट, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और अब यहाँ पे आ जाते हैं दो दो खाने डेढ़ डेढ़ खाने के चम्मच, इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। और पहले सबसे पहले ये शामिल किया, थोड़ा सा इसको किया फ्राई। 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे, ये आ गया पूरा पैकेट। इसी के साथ हमने शामिल करना है और इसको कमोबेश तकरीबन 6-7 मिनट तक करेंगे फ्राई। 3 अदरक टमाटर शामिल कर दिए और साथ में 1 कप दही। और ये शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोग आलू नहीं शामिल करते बिरयानी में, मुझे तो बहुत इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, तकरीबन 2 से 3 कप। और इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगा एक दफ़ा और बस। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, धीमी आंच पर पकने छोड़ देंगे। इस दौरान चिकन भी पक जाएगा और आलू भी करीबन पक जाएंगे। और आलू और चिकन का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट इसमें सेम है, इसी वजह से हमने दोनों को एक साथ शामिल किया है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा, जस्ट अ कप, हाफ अ कप बस। और इसके बाद रख देते हैं इसके ऊपर ढक्कन और ये अब तकरीबन मेरे हिसाब से 10 मिनट पकेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हमारी बॉम्बे बिरयानी। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं हरी मिर्चें, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस पर नींबू का रस, इसमें मोस्टली ऊपर से डालने के बजाय ये ग्रेवी के ऊपर डलता है, तो ग्रेवी के ऊपर अगर आप जर्दे का रंग डालेंगे तो इसका बड़ा मज़े का मतलब अच्छा प्रोफेशनल लुक इसकी आएगी। ये शामिल कर दिया। अब दो चीज़ें इसमें, धनिया पुदीना ये भी इसी स्टेज पे थोड़ा सा शामिल कर दिया। ये आ गया धनिया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग इसमें पसंद नहीं करते इसका टेस्ट, तो आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये आ गए 1 किलो चावल जो हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। चावलों में आपने थोड़ा सा दम रखना है इतना कि 20 मिनट मज़ीद पकने के लिए इसमें ये बर्दाश्त कर लें, अदरवाइज़ चावल अगर ज़्यादा पके हुए तो फिर चावल गिप होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बिरयानी का बर्तन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमेशा जब भी बिरयानी पुलाव बनाए इसमें कोशिश करें खुला बर्तन हो, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। उसके बाद ये आ गया जो हमने प्याज थोड़ा सा बचा के रखा था, ये इसमें ऐड कर दिया और बस। इसके बाद ढक्कन रखते हैं इसके ऊपर, और जैसे ही ढक्कन रखा हमेशा ज़हन में रखेगा, अमूमन बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसका एकदम आँच धीमी कर देते हैं और ये समझते हैं कि जी दम पे रख दिया गया, दम पे उस टाइम आएगा जब तक इसमें स्टीम ना निकले। बस अब इसकी आँच मैंने बंद कर दी, यहाँ पे आ गए धीमी आँच पे। इसको तकरीबन हम 15 मिनट रखेंगे और ये हमारी बॉम्बे बिरयानी हो जाएगी तैयार। और आलू, ओहो, मेरे हिसाब से तो इसमें जो स्टैंड आउट आइटम है ना वो आलू है। आलू का टेस्ट मुझे बिरयानी में बहुत पसंद है, बट अगेन आपकी अपनी चॉइस। बम्बई बिरयानी, अज्जा, मुर्गी का गोश्त 1 किलो, बासमती चावल 1 किलो, प्याज स्लाइस 4 अदद दरमियाने, टमाटर मोटे कटे 3 अदद दरमियाने, आलू दरमियान से 2 टुकड़े 3 अदद, पुदीना बारीक कटा 1/4 कप, हरा धनिया बारीक कटा 1/4 कप, अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मचे, दही पिटी हुई 1 कप, तेल 1 कप, मलका बम्बई बिरयानी मसाला 1 पैकेट।